जूम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम आपने सुना होगा या शायद कभी ना कभी यूज करा होगा। बट दोस्तों, जूम को प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप इसका यूज अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, मीटिंग्स में और कई तरीके से कर सकते हो, कोचिंग ट्रेनिंग्स और बहुत सारे तरीके। तो दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता मार्केटिंग फंडा से आप लोगों के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जूम के ऊपर। इसका हमारे पास बहुत डिमांड आ रहा था बिकॉज आज की डेट में इसका यूज बहुत ज्यादा है कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, हर जगह। और इसका आप इंडिविजुअल लेवल पे भी फायदा ले सकते हो अगर कहीं दूर आपको मीटिंग करनी है और वहां पर आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इसका स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको हम जूम के इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे, जिसके अंदर इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसकी एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स हैं, इसके फ्री वर्जन में आपको क्या क्या मिलता है, इसके पेड वर्जन, प्रो वर्जन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हर चीज आपको इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल, ये सॉफ्टवेयर के बारे में आप अच्छे से सीखोगे, इसका आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यूज करोगे। अगर आपको हमारे इस कंप्लीट ट्यूटोरियल से बेनिफिट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल में गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज है, 1200 से ज्यादा वीडियोज है और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 ज्यादा नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं करा अभी तक, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। जूम ऐप का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हो और इस कोर्स को सीखने के क्या अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, जूम एक मीटिंग ऐप है, वर्ल्ड रिनाउंड ऐप है, वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग इसके संग कनेक्ट होते हैं, इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसको आप अगर इजीली इस्तेमाल कर पाएँ तो आप भी ऑनलाइन देश विदेश के अंदर मीटिंग्स इजीली कर सकते हो, बिजनेस डील्स क्रैक कर सकते हो, प्रोफेशनल मीटिंग्स कर सकते हो, जॉब से रिलेटेड कर सकते हो, इंटरव्यू से रिलेटेड कर सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इस छोटी सी ऐप के थ्रू आप कर सकते हो और जो ऑलरेडी हजारों लाखों करोड़ लोग कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि इस जूम ऐप के कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि हम क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जूम के बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, जूम क्या है, इस ऐप के क्या बेनिफिट्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स बताएंगे जूम ऐप से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड, कैसे आप जूम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो लैपटॉप पे और मोबाइल दोनों पे, ये हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। आप कैसे एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जूम के ऊपर, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। यहाँ पर आप जानोगे कैसे आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो एज अ अटेंडी। अटेंडी मतलब मान लीजिए किसी ने आपको जूम का लिंक भेजा और आपको एज अ अटेंडी वो मीटिंग ज्वाइन करनी है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, वो भी हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। कैसे आप होस्ट करोगे एक जूम मीटिंग, मान लीजिए आपको 10-20 से ज़्यादा लोगों की मीटिंग लेनी है और आप वो मीटिंग होस्ट कर रहे हो, आपको मतलब वो मीटिंग आप ले रहे हो, तो आपको किस तरीके से आप एज अ होस्ट उस मीटिंग को लोगे, किस तरीके से आप उस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, वो हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर। और आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक रूम फ्री को प्रो मोड के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जूम ऐप है वो फ्री है बट फ्री के साथ साथ इसका प्रो वर्जन, प्रीमियम वर्जन या पेड वर्जन जिसको कहते हैं वो भी है, तो आपको इसमें हम प्रो और फ्री दोनों वर्जन्स के बारे में बताएंगे तो आपको इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में भी पता लगेगा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता जिन्होंने आज तक पेड या प्रो वर्जन यूज़ नहीं करे, और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं जो आपको अपने बिजनेस या आपकी जॉब के अंदर अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जूम मीटिंग की अकाउंट सेटिंग्स के बारे में,
अकाउंट सेटिंग्स के बारे में भी इस कोर्स में आप जानोगे अच्छे से। डिफरेंस जानेंगे आप वेबिनार और मीटिंग के बीच में, डिफरेंस क्या होता है वेबिनार और मीटिंग्स, जो वेबिनार होते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम आपको इस कोर्स में अच्छे से क्लियर करेंगे। वेबिनार कैसे आप लोगे जूम के ऊपर, तो आज के डेट में हमें पता है कि बहुत सारे कोर्सेज हो गए, बहुत सारे ऐसे इंट्रैक्ट करना ऑडियंस के संग वेबिनार्स के थ्रू करा जाता है, तो आप कैसे जूम के थ्रू वेबिनार ले सकते हो वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके साथ साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो जूम मीटिंग वेबिनार, आप जूम मीटिंग कह लीजिए वेबिनार कह लीजिए, ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस यूट्यूब फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, तो आप कैसे इनको कनेक्ट कर सकते हो जूम मीटिंग वेबिनार के संग, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। और कैसे आप मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, अब मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई लोग फ्रीक्वेंटली बहुत सारी मीटिंग्स लेते हैं, तो वो मीटिंग्स रिकॉर्ड हों ताकि इन फ्यूचर वो आपको भी काम आए, या जो अटेंडीज थे जिनके लिए आपने वो लेक्चर्स या वो सब चीज़ें करी थी उनको भी आप वो रिकॉर्डिंग्स दे सको, तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे वो सब भी आपको सिखाएंगे। और वाइट बोर्ड का यूज़ आप कैसे कर सकते हो और उसके क्या क्या इस्तेमाल है वो प्रैक्टिकली आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। तो दोस्तों ये कोर्स तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, हर प्रोफेशनल बिजनेसमैन और इंडिविजुअल के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, छोटा सा कोर्स है, अगर आप एक दो घंटे अच्छे से इस कोर्स को देखोगे अच्छे से सीखोगे तो आप इसके अंदर प्रो लेवल कर सकते हो और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स उठा सकते हो। बेनिफिट्स लगे, आपको फायदा लगे और आपकी भी कुछ वैल्यू ऐड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो जूम ऐप, जो व्हाट जूम है क्या, जूम एक क्लाउड बेस्ड वीडियो कम्युनिकेशन ऐप है, एक ऐप जो ऑनलाइन बेस्ड है और वहाँ पर लोग इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक कंट्री के अंदर भी और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पर वो मीटिंग्स वेबिनार स्क्रीन शेयरिंग चैट्स और अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, मतलब एक बंदा कई लोगों से और कई लोग एक बंदे से, तो इस ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है जूम ऐप की और ये बहुत ही सिंपल ऐप है, यूज़ करना इसको बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लीडरशिप ऑफ जूम कंपनी, तो इनके जो फाउंडर हैं एरिक, ये चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ऐसे करके काफ़ी बड़ा पैनल है इनका जो इस ऐप को, इस कंपनी को चलाता है, और ये अदर लोग हैं उनकी टीम में से ही अदर अदर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टैट्स जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग स्टैट्स हैं, जूम ऐप है तो पहले से मगर $4 बिलियन का रेवेन्यू इनका 2021 के अंदर था, ये 2021 के अंदर था, और ये 53% इंक्रीज़ होता है ईयर ऑन ईयर, ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इतनी तेज़ी से हर साल ये ग्रो हो रहा है। मगर जो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप्स हैं, मतलब जो पेंडेमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था, उसमें जो सबसे तेज़ी से अगर कोई ऐप ग्रो हुई है, कोई कंपनी ग्रो हुई है, तो उनमें से एक है जूम ऐप। और इस ये इंक्रीज़ हुई, इसके जो पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज़ हुए, मतलब पहले लोग कम यूज़ करते थे बट पेंडेमिक के टाइम 2900% लोगों ने ज़्यादा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो सोचिए कितनी पॉपुलर हो गई है वर्ल्ड वाइड। और जूम की जो वैल्यूएशन है वो भी इंक्रीज हो गई, $100 बिलियन इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई, बिकॉज इसने उस करंट सिनेरियो में सबसे अच्छा परफॉर्म करा, सबसे लोगों के लिए इजी कन्वीनियंट वे बन गया कम्युनिकेट करने का, और जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होगा तो उसकी वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर 383% वैल्यू इंक्रीज हुई इनकी जनवरी 2022 में, तो आप देख रहे हो लगभग 400 गुना के आसपास इस कंपनी की वैल्यू पेंडेमिक में इंक्रीज हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ये एक कोट है दोस्तों, सक्सेस आपकी प्रेजेंटेशन की वो इससे जज नहीं करी जाती कि आपने क्या नॉलेज दी है सामने वाले को, जबकि इससे जज करी जाती है कि आपके लिसनर्स ने क्या नॉलेज रिसीव करी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5 stages ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन, तो पहला जो स्टेज है वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उसका एक एजेंडा होता है, एक टॉपिक होता है जो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है।
दूसरा स्टेज होता है एनालाइज योर ऑडियंस, कि आपका ऑडियंस कौन है, किसको आप टारगेट कर रहे हो, किसके लिए वो प्रेजेंटेशन है, वो आपको एनालाइज करना है। तीसरा स्टेज है प्लानिंग एंड स्क्यूजिंग, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग और उसके अंदर सारे के सारे जो जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसकी प्लानिंग और उसको क्रिस्प मतलब शॉर्ट में आपको उस चीज़ को अच्छे से कैसे आपको एलोबरेट करना है, कैसे डिलीवर करना है, उस सब की भी आप प्लानिंग करते हो। प्लस आपकी जो स्पीच डिलीवरी है, किस तरीके से आप स्पीच दोगे, कैसे बात करोगे, इन सब के ऊपर आप तैयारी करते हो। और लास्ट में आपका Q&A सेशन होता है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि आप अगर किसी के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, किसी को स्पीच दे रहे हो, किसी को कोई लेक्चर दे रहे हो, तो उसमें जो कुछ सवाल उठ के आते हैं, तो लोगों के सवाल आएंगे तो आपको उनको जवाब देने होते हैं। तो बहुत सिंपल अगर हम करें तो इन 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या फिजिकल ऑफलाइन प्रेजेंटेशन की। तो ये आपको इसके बारे में भी आप इस कोर्स के अंदर सीखोगे, जैसे जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाना करना और कैसे इस ऐप का यूज़ करना वो सीखोगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे जूम के ऊपर अपना कोर्स। तो अच्छे से जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा और इस ऐप को एज अ प्रो यूज़ कीजिएगा और बेनिफिट उठाइएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। आज हम आपको पूरा कंप्लीट इन डेप्थ ट्यूटोरियल देंगे कि आप कैसे जूम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को देने में, अपने मीटिंग्स को लेने में। तो दोस्तों जितना आप सोचते हैं जूम उससे कहीं ज्यादा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी डे टू डे रिक्वायरमेंट लोगों को होती है, लेकिन वो नॉलेज का जो अभाव है, नॉलेज की जो कमी है, उसकी वजह से लोग इसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि फ्री वर्जन में भी इतने ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लोग फिर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यही आज हम देखेंगे कि आप कैसे उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके एक इफेक्टिव वे में अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले बात होती है कि जूम ऐप इंस्टॉल कहाँ से करें। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप चलाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा एक फैक्टर हो सकता है कि आप ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप मोबाइल चलाते हो, चाहे आप डेस्कटॉप वर्जन में जूम ऐप यूज करना चाहते हो, चाहे आप टैबलेट में यूज करना चाहते हो, तो आज मैं वो तरीका बताऊंगा, आप कहीं से भी बहुत ही सिंपल तरीके से जूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जूम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, और जूम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है zoom.us। मैं लिख देता हूँ, तो zoom.us लिख दिया है। अब इसको सर्च करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस पर सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जूम की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा है। अब हमें सबसे ज्यादा आखिरी में जाना है नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधे एक पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे जूम के एप्लीकेशन या प्लगइन्स मौजूद होती हैं, या आप शायद डायरेक्ट सीधे zoom.us/download सर्च करेंगे तब भी आप इजीली यहाँ पे इस पेज पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने zoom.us/download कर रखा है, तो मैं इसको भी एंटर करूंगा तो मैं उसी पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया इस वेबसाइट पे पहुंचने का। चलिए यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है बेसिकली, तो मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ कि है क्या ये चीज। जो पहला ऑप्शन है ये जूम डेस्कटॉप क्लाइंट, अगर आप जूम डेस्कटॉप पे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक बार पूरा गो थ्रू करवा देना चाहता हूँ आपको कि आपको सारा आइडिया लग जाए कहाँ से क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से आपके कुछ प्लगइन्स है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट आपको बाद में पड़ती है, आप पहले बेसिक वर्जन चलाएं। मैं आपको इतने लफड़ों में नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको सीधे तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से जूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं कि जूम एक्सटेंशन फॉर ब्राउजर का ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ से क्या होता है, आप एक्सटेंशन को डाल सकते हैं। जैसे आप जान सकते होंगे जानते होंगे हम क्रोम ऐप पर डेस्कटॉप पे बहुत सारे एक्सटेंशन डालते हैं, तो आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं जूम को चलाने के लिए। मोबाइल के अगर एप्लीकेशन अगर आप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं,
आप मोबाइल में भी इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एप्पल आप चलाते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर से, ऐप स्टोर से। और अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो आप देखिए प्ले स्टोर से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो मैं बेसिकली गूगल प्ले पे जा रहा हूँ, ये मोबाइल वर्जन के लिए। तो मोबाइल वर्जन वालों के लिए तो बहुत सिंपल, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इजिली। लेकिन जो हमेशा क्वायरीज आती हैं लोगों की, वो अजीब सी होती है। जैसे आपने कहा किसी को कि आपको जूम ऐप डाउनलोड करना है, तो वो बंदा सीधे जाता है, जूम सर्च करता है अपने गूगल प्ले पे, जो प्ले स्टोर है उसका, और वहां पे बहुत सारे जूम के उसे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कौन सा डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट भेजने लगते हैं। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ कि आप सीधे या तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक कॉपी करके पेस्ट करके उन्हें व्हाट्सएप या जैसे भी आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन का जो ये वेबसाइट है zoom.us डाउनलोड, यहाँ से भी आप उन लोगों को भेज सकते हैं लिंक और बता सकते हैं कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे तरीका ये है कि गूगल प्ले स्टोर से अगर मोबाइल लोग यूज करते हैं तो आप यही जो लिंक है आप सीधे उन्हें लिंक प्रोवाइड कर लें, ताकि वो जैसे ही क्लिक करें उनके प्ले स्टोर में, मोबाइल के प्ले स्टोर में जूम सामने खुल जाए और वहां से इजिली वो इंस्टॉल कर सके। तो ये तो रही इंस्टॉलेशन की बात कि आप कैसे मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब अगली बात पे जाते हैं। तो ऐप कैसे इंस्टॉल करें जूम डेस्कटॉप ऐप। तो देखिए दोस्तों, जैसे यह पहला ऑप्शन दिख रहे हैं जूम डेस्कटॉप क्लाइंट का, इसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लग जाएगा। अगर आप 32 बिट का आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप 32 बिट का अगर आपका सिस्टम है, तो आप 32 बिट का भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 64 का है तो आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सामने लिखा हुआ आता है 64 बिट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 बिट का नीचे है। तो अभी मैंने क्लिक कर दिया है और मेरा जूम का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो रहा है। मैं एक बार इसे डाउनलोड होने ले देता हूँ, फिर मैं इसे इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए जूम इंस्टॉलर करके एक आपको पॉपअप नोटिफिकेशन टाइप का आपको खुल जाएगा बॉक्स। तो ये अभी इंस्टॉल होता है, हो रहा है, मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा फिर मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आ चुका है, द इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल, मतलब कि जो इंस्टॉलेशन है जूम ऐप का वो मेरे डेस्कटॉप पे सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस डन बटन पे क्लिक करता हूँ, और डन बटन क्लिक करने के बाद जूम ऐप ऐसा खुल जाता है सामने। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ज्वाइन अ मीटिंग और साइन इन। अगर आप कोई मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो, भले ही वो डेस्कटॉप पे हो या फिर आपके मोबाइल फोन पे, तो जैसे ही आप जूम ऐप को इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या साइन इन करना चाहते हैं। ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से आप इजीली वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये आईडी पासवर्ड क्या होता है, मीटिंग आईडी क्या होती है, पासवर्ड क्या होती है, ये मैं सब आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे साइन इन करना है। तो मैं साइन इन पे जाता हूँ, और जैसे ही साइन इन बटन पे मैं प्रेस करूंगा, उसके बाद ये ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली वो आईडी बनाने के लिए कह रहा है। तो मैं इस पे अपना अकाउंट कैसे बना सकता हूँ, इसका अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा या पासवर्ड डालूंगा, या फिर आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों, यहाँ पे गूगल साइन इन विद गूगल या फेसबुक या एप्पल, आप किसी से भी डायरेक्ट साइन इन भी कर सकते हैं। तो मैं ईमेल आईडी पासवर्ड डालने की बजाय मैं सीधे गूगल बटन पे प्रेस करता हूँ, और ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले लेगा। आप अगर आईडी पासवर्ड डाल के जाना चाहते हैं तो आप वहां से भी जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक, मैं एक तरीके से अभी एक डमी आईडी यूज कर रहा हूँ पूरे अकाउंट क्रिएशन के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको एक डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और कोई सा भी एक रैंडम डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैसी है, मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह डाल रहा हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ आपके सामने। मैं कोई से भी डाल देता हूँ दोस्तों,
ईयर लेट से दोस्तों मैं डाल देता हूँ 1990s। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ये कुछ और पूछेगा कि देखिए क्या पूछ रहा है। फॉर एजुकेटर सेलेक्ट द ऑप्शन इफ यू आर साइनिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ ए स्कूल और अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एजुकेशनल सर्विसेज टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप एजुकेटर रहें या फिर किसी भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं जो आप मतलब टीचिंग करते हैं, अपना एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ। आप अगर एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से इजीली आप कर सकते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये देखिए मेरे से कुछ परमिशन मांग रहा है तो मैं इसे परमिशन दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अब होम बटन ओपन हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही आप कभी भी साइन इन करेंगे, कभी भी अपने एप्लीकेशन में कभी भी साइन इन करेंगे, आपके सामने होम बटन ऐसा ही शो होगा। इसके बारे में मैं बता दे सकता हूँ दोस्तों, ये देखिए न्यू मीटिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके एक मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन, इसको प्रेस करके आप किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है कि आप शेड्यूल कर सकते हैं। और चौथा है स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप किसी को भी। तो चलिए दोस्तों मैं आगे की इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप कैसे इन सब चीजों का यूज करके बेस्ट मतलब सॉरी माफ करिएगा, आप इन सबको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये मीटिंग क्या होती है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अगर, तो आप देख सकते हैं मैं अभी क्लिक इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डाउन एरो एक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ये आ रहा है स्टार्ट विद वीडियो, मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सीधे कैमरा जो होगा वो ऑटोमेटिक ओपन होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे चेक अनचेक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चेक है, मतलब जैसे ही मैं मीटिंग ओपन करूंगा कैमरा ऑटोमेटिक ओपन रहेगा। और ये आ रहा है यूज माई पर्सनल मीटिंग आईडी। बेसिकली पर्सनल मीटिंग आईडी क्या होती है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो बेसिकली मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं अभी इसके ऊपर अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इसे दिखाना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे इसके बाद कुछ ऑप्शन जूम आपसे पूछता है कि ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो या फिर स्पीकर एंड माइक्रोफोन। तो आप जैसे सुटेबल समझे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माइक्रोफोन है तो आप यहाँ से नीचे वाले का ऑप्शन डाल सकते हैं, और नहीं तो ऊपर वाला कंप्यूटर ऑडियो। और यही चीज मोबाइल में भी होता है, जैसे आप मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल में नीचे जैसे आप किसी मीटिंग में ज्वाइन होंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है ऑडियो का। ऑडियो आप सेलुलर तरीके से भी करा सकते हैं और मोबाइल फोन के डाटा के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कंप्यूटर ऑडियो में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है, मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप अपनी वॉइस को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपके सामने एक पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे बेसिकली पार्टिसिपेंट जितने होते हैं आप उन्हें देख सकते हैं। और बेसिकली मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे मीटिंग आईडी क्या है। आप यहाँ पे देखिए 8786734911 ये मीटिंग आईडी है। लेकिन ये मीटिंग आईडी मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी नहीं है, ये जो मीटिंग आईडी है ये रैंडम सही हर बार आप क्लिक करेंगे न्यू अगर होम बटन पे एक मीटिंग का जो प्लस का ऑप्शन आता है अगर आप उस पे मीटिंग करते हैं तो हर बार आपकी मीटिंग आईडी नई बनती है और हर बार आपका पासवर्ड भी नया बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये किसके लिए सही है। बेसिकली मैं आपको कॉपी एक एक लिंक है मैं इसके ऊपर कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं ये लिंक किसी को भी भेजूँ तो कोई भी पर्सन इस जो मैं लिंक भेजूंगा, चाहे आप लिंक कैसे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ये आपके ऊपर है,
उस ईमेल के ऊपर जो क्लिक करेगा वो डायरेक्ट मेरी मीटिंग के अंदर आ जाएगा। अगर वो मीटिंग लिंक के थ्रू अगर नहीं करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मेरी मीटिंग आईडी डालनी पड़ेगी और ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं इस लिंक को कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। मैंने लिंक कॉपी कर दिया और नोटपैड में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा लिंक जनरेट होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते होंगे 8786 करके ये आ रहा है कुछ, तो ये बेसिकली ये मीटिंग का आईडी है। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए 878 और आखिरी में है 121। मैं उस नोटपैड को फिर से आपके सामने लाता हूँ, 878 एंड 121। आप देख सकते हैं ये मीटिंग आईडी है दोस्तों, और ये पासवर्ड है इसी तरीके से 6BT, ये भी चेंज होता रहता है हर बार। लेकिन इससे एक दिक्कत है, क्योंकि अगर आप हर बार मीटिंग, आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मीटिंग लेते हैं, तो हर बार लोगों को नई आईडी रहती है, मीटिंग आईडी रहती है, नया पासवर्ड रहता है, क्योंकि हर कोई तो लिंक के थ्रू लॉगिन करता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे तब। देखिए ये मीटिंग आईडी आप सीधे वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, या इनवाइट का बटन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आप क्लिक करके, और यहाँ इनवाइट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कॉपी इनविटेशन लिंक का ऑप्शन आपके पास आता है। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और जिसको भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। तो ये तो बात रही कि आप कैसे होम पे जो आपकी मीटिंग का बटन है उसके ऊपर प्रेस करके इजिली एक मीटिंग पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, नई नई आईडी बनेगी हर बार, लोगों को दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां से आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब आप यहां पे प्रेस करेंगे तो नई मीटिंग आईडी के साथ आपकी मीटिंग जनरेट होगी, नई मीटिंग, हर बार नई मीटिंग आईडी जनरेट होगी। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है लोगों के लिए। लेकिन 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 अगर आप देख सकते हैं यहां पे एक चैट के ऑप्शन बगल में एक मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा माई पर्सनल मीटिंग आईडी का, देख सकते हैं 463 और आखिरी में 362, तो ये मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है, इसको बोला जाता है PMI। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है ये। अगर मैं पर्सनल मीटिंग आईडी से अपनी मीटिंग होस्ट करता हूँ तो ये परमानेंट मीटिंग आईडी होती है दोस्तों, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर आप मीटिंग करते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मीटिंग कर रहे हैं लोगों से, या फिर सेमिनार ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी से हमेशा कोशिश करें कि आप मीटिंग होस्ट करें। तो दोस्तों यहां से मैं आपको बताता हूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो बेसिकली आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप कॉपी, जैसे कि लिंक, जैसे लिंक हो या फिर लोगों को आपको इनवाइट करना है तो आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बगल में स्टार्ट के बटन में आपको दिख रहा होगा कॉपी इनविटेशन, आप इस कॉपी इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक और आपका आईडी पासवर्ड होता है या कॉपी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है, तो मैं नोटपैड खोल के आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप मीटिंग को इनवाइट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी से, तो आप जो लिंक जनरेट करेंगे या फिर जो वहां पे क्लिक करके आप, तो उसमें डाटा क्या क्या दिखता है। देखिए, हितेश गुप्ता इज इनवाइटिंग यू, तो बेसिकली हमारी एक डेमो आईडी है, तो उस आईडी पे हितेश गुप्ता नाम लिखा हुआ है, तो जो आ रहा है आपका जो नाम होगा, बेसिकली ईमेल आईडी पे जो भी आपने दे रखा होगा वो आपका शो होगा। टॉपिक है तो वही, जो भी आप टॉपिक चाहें वो अपना चूज कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा इसमें कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपको लिंक शो हो रहा है, ये देख रहे हैं लिंक, तो ये लिंक, अगर कोई पर्सन इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करता है तो आपकी मीटिंग में आ सकता है। लेकिन 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 अगर आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी साथ में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मीटिंग लेना चाहते हैं या फिर जूम पे, तो आप इस तरीके से अपना टॉपिक और जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो टॉपिक बताना चाहते हैं कि आप इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सब लिख के इस तरीके से इस फॉर्मेट में ही लोगों को दें। तो ये एक अच्छा तरीका है देने का, लोगों को समझ में भी आएगा कि उनको क्या फायदा मिलेगा इस मीटिंग को अटेंड करने से, क्या नुकसान मिलेगा,
खैर नुकसान तो मीटिंग का मुझे लगता नहीं है कि आज तक मैंने इतनी मीटिंग करी है, लेकिन मीटिंग या सेमिनार से नुकसान नहीं होता, लोगों का नॉलेज ही बढ़ता है, लेकिन ये लोगों की थिंकिंग है, वो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बेसिकली। और ये वेटिंग रूम क्या है, ये वेटिंग रूम में आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली वेटिंग रूम ये होता है कि जब आप मीटिंग होस्ट करते हो तो आप किसी बंदे को डायरेक्ट अलाउ नहीं करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या हो रहा था, जब जूम की शुरुआत हुई थी नई नई, तो उस समय लोग लिंक के थ्रू आ तो जा रहे थे मीटिंग में, लेकिन उन लोगों का कोई काम नहीं था, कुछ जिसे कहते हैं कि एक्सटर्नल एलिमेंट जो डिस्टर्ब करते थे पूरी क्लास को। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो उसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ आ जाते थे और वो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे, उल्टा सीधा बोलते रहते थे। तो इसको इसको बचाने के लिए जो जूम है उसने ये वेटिंग रूम का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें क्या होता है, जब तक आप उन बंदों को अलाउ नहीं करोगे मीटिंग के अंदर आने के लिए, तो तब तक वेटिंग रूम में ही रहेंगे। जब आप उन्हें अलाउ कर दोगे तब वो बेसिकली मीटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। अब ये तो बात हो गई आप मीटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मीटिंग स्टार्ट करके ऑप्शन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे, देखिए ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं कंप्यूटर ऑडियो बेसिकली यूज करना चाहता हूँ। कंप्यूटर ऑडियो का बेसिकली दोस्तों ये तो दोस्तों बेसिकली ये कंप्यूटर ऑडियो का ऑप्शन डेस्कटॉप में आता है, मोबाइल में किसी और तरीके से आता है। जब आप मोबाइल का ओपन करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या चीज है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हितेश गुप्ता पर्सनल मीटिंग रूम, मतलब ये देख सकते हैं ये पर्सनल मीटिंग रूम है दोस्तों। ये मीटिंग आईडी है, तो ये मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है। पासवर्ड देख सकते हैं आप, इस पासवर्ड को मैंने आपको बताया था, आप चेंज भी कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक फ्रेश तरीके से अपनी मीटिंग ओपन कर सकते हैं। उससे लिए मैं जो भी अभी मीटिंग मेरी ओपन हो रखी है मैं उसे क्लोज कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपको मीटिंग कैसे ज्वाइन करनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि मीटिंग कैसे आप होस्ट कर सकते हैं। होस्ट करने में भी आगे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा इजीली। जब आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करते हैं तो देखिए होम पे ही ज्वाइन बटन पर प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने मीटिंग आईडी का ऑप्शन आ रहा है और आपका नाम आ रहा है। आप मीटिंग आईडी अपना डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए। जैसे ही आप कोई मीटिंग आईडी और अपना नाम डालेंगे, आगे पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, एक पासवर्ड डालना होगा जो कि उस मीटिंग आईडी का पासवर्ड है। या तो जिस भी मीटिंग में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दो तरीके हैं, उस बंदे ने आपको लिंक दिया हो, अगर उस पर्सन ने आपको लिंक दिया था तो तब तो आप लिंक पे क्लिक करके इजीली मीटिंग के अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आपको आईडी पासवर्ड के थ्रू जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपनी मीटिंग आईडी डालेंगे, उस बंदे की मतलब जिस भी आप मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी मीटिंग आईडी डालेंगे और अपना नाम डालेंगे, और आप फिर उसके बाद ज्वाइन बटन पर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आपको अगले प्रोसेस पे ये पासवर्ड मांगता है, अगर आपने मीटिंग आईडी से जा रहे हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप मीटिंग को होस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, तो चलिए उन सेटिंग्स की बात करते हैं। अभी मीटिंग की सेटिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी अकाउंट की सेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अकाउंट में अलग से बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे आपको इन डिटेल में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक मीटिंग मैंने होस्ट कर दी है। अब जब आप, मैं पहले सबको अनम्यूट कर दिया है क्योंकि जो नॉइस है वो एको होने लगेगा, क्योंकि मैं ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डिफरेंट सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ से आप अपने वॉइस को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं, और आप यहां से अपने अगर फेस दिखाना चाहते हैं लोगों को तो आप यहां से फेस दिखाइए। और बेसिकली अगर आप जूम पे मीटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने फेस के साथ रहिए, क्योंकि फेस की एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो फेस दिखाने से आप हेजिटेट मत करिए, कभी भी मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर आप फेस के साथ अगर मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो।
फिर आगे आता है सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उसके बाद पार्टिसिपेंट्स, आप पार्टिसिपेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट को ऐड करने का तरीका आप मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप लिंक भेज सकते हैं या फिर मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज सकते हैं। मैं अपनी अपने मोबाइल से एक बार को मीटिंग में ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि मैं आपको इजीली हर चीज़ आपको अच्छे से बता सकूँ। देखिए मीटिंग आईडी है, पासवर्ड ही है, मैं दोनों को डाल के मीटिंग के अंदर आ जाता हूँ एज अ एक मीटिंग अटेंडी, तो मैं आपको पूरी चीज़ें सही से समझा पाऊंगा। दोस्तों मैं अब एक मीटिंग अटेंडी बन चुका, जैसे आप मेरा दूसरा अकाउंट देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा अकाउंट है मोबाइल का। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे बताता हूँ डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स। यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट देख सकते हैं, दो हो गए हैं, अब जितने चाहे उतने पार्टिसिपेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब मैंने आईडी पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन करा तो मेरे को वेटिंग रूम में नहीं रखा, ऐसा क्यों? तो बेसिकली ये जूम की सेटिंग है दोस्तों, चेंज करता रहता है। पहले जूम में क्या होता था कि आप डायरेक्ट जो इनबिल्ट आता था फीचर, वो इनबिल्ट फीचर ही आता था कि जो भी पर्सन आएगा वो वेटिंग रूम में रहेगा, तो अब आपको वो अलग से इनेबल करना पड़ता है। मैं आपको आगे वो बताऊंगा। यहाँ से आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप रिएक्शन देख सकते हैं लोगों के, और ये ऐप्स हैं, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो जूम में इनबिल्ट होते हैं डेस्कटॉप वर्जन पे, थर्ड पार्टीज ऐप है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और मोर ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, आप किसी के साथ चैट भी कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप कैसे अपने वेटिंग रूम को इनेबल कर सकते हैं। वेटिंग रूम को इनेबल कर सकते हैं मतलब कि कोई भी जब पर्सन आए तो पहले इनेबल आपके वेटिंग रूम में आए, तब जब आप उसको परमिशन दो तभी वो आपके मीटिंग में आए। इससे आप बहुत सारे एक्सटर्नल और अनवांटेड एलिमेंट्स को हटा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आपको पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा म्यूट ऑल का, म्यूट ऑल के बगल में एक म्यूट ऑल। बेसिकली अगर आप मीटिंग में हैं और आप सबको म्यूट करना चाहते हैं तो आप, अगर आप होस्ट हैं तो आप सबको म्यूट कर सकते हैं यहीं से। आप अगर किसी मीटिंग में हैं और किसी सर्टेन बंदे को आप कहते हो, किसी पर्सन को कहना चाहते हो कि वो अनम्यूट कर ले अपना माइक, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए जो मेरा दूसरा मोबाइल से जिस मैंने जूम ऐप को एज अ अटेंडी ज्वाइन करा है, तो यहाँ पे देखिए आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। आगे बहुत सारे ऑप्शन और आ रहे हैं जो आगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वेटिंग रूम इनेबल करने के बाद कैसे लोगों को मीटिंग में आने से रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मैंने अभी इनेबल वेटिंग रूम कर रखा है, आप कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेंट के अंदर जाके, दोबारा बता रहा हूँ, पार्टिसिपेंट के अंदर जाके या पार्टिसिपेंट में जाते हैं तो उसके बाद थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थ्री डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनेबल वेटिंग रूम है, आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब इनेबल आप करेंगे तो आपकी परमिशन के बगैर कोई आपकी मीटिंग के अंदर नहीं आ सकता है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल से ज्वाइन करके इस मीटिंग को। दोस्तों देखिए वेटिंग रूम, आप ये देख रहे हैं कि एक वेटिंग रूम हाईलाइट हो रहा है, वेटिंग रूम हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे एक दिख रहा है। अगर यहाँ पे 10 लोग होंगे तो आपको 10 यहाँ पे दिखेगा, जितने पर्सन होंगे वहाँ पे इतना शो होगा। आप यहाँ से एडमिट करेंगे तो वो, मैं बेसिकली इसमें जो भी आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं आपकी परमिशन के बगैर नहीं आ सकता, आप इसे एडमिट कर देंगे तो अब वो दूसरा जो बंदा होगा वो ज्वाइन कर लेगा इजिली। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे के प्रोसेसेस क्या क्या हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं व्यू का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जब आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्पीकर मोड है, गैलरी मोड है, एक इमर्सिव मोड है। मैं स्पीकर मोड पे है, तो स्पीकर मोड बेसिकली कब जरूरी होता है कि जब कोई बंदा स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, तो वो सामने दिखेगा, आप एज अ स्पीकर रहेंगे सबके सामने, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो। उसके बाद आता है अगला गैलरी मोड, मैं गैलरी मोड पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जब आप गैलरी मोड पे क्लिक करेंगे
तो देखिए सभी लोग एज अ गैलरी की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो और तीसरा जो मोड है वो है इमर्सिव। इमर्सिव का मतलब डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे, आप ये अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड बेसिकली आप बैकग्राउंड दे देंगे अपने आप को। जैसे देखिए मैं एक आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपके 4% 5% जितने भी लोग हैं उतना यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, अभी लोड हो रहा है धीरे धीरे। देखिए ऐसा ये हॉन्टेड व्यू है, तो आप कोई सा भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं भी इसे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह, बेटा देखो सर ये बहुत ही ना अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप कोई ऐसा लगाते हो, पीछे बैकग्राउंड लगाते हो, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको यह काम नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एज अ होस्ट और एज अ पार्टिसिपेंट्स आप क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं कि मीटिंग के अंदर। देखिए जैसे कि एक पार्टिसिपेंट एज अ, जो मेरा आनंद है अभी, मतलब जो मैं हूँ, मैं एज अ पार्टिसिपेंट हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉर्नर बटन पे, 3 डॉट पे, तो जब मेरी मीटिंग चल रही होगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उस पर्सन को बोल सकता हूँ कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग के अंदर बोलते हैं लोगों को कि हितेश जी, या फिर मतलब कोई पर्सन का नाम ले लेके बोलते हैं कि आप म्यूट करिए म्यूट करिए म्यूट करिए, इस तरह बड़ा अनप्रोफेशनल होता है। इससे बढ़िया ये है कि आप डायरेक्ट सीधे यहाँ पे अनम्यूट कर दें। अगर वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से आपको सबको आप सॉरी माफ करिएगा, सबको आप म्यूट कर सकते हैं अनम्यूट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि आप होस्ट हो, आपके पास अथॉरिटी है। आप किसी को बोलने के बजाय आप डायरेक्ट उसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। अगर वो बार बार माइक ऑन कर ले रहा है तो आप उसको परमानेंट अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप उस बंदे को अनम्यूट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, 3 डॉट बटन पे प्रेस करने के बाद। यहां पे आपको आस्क टू स्टार्ट वीडियो, अगर आप उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अब आप अपनी वीडियो का प्रेजेंटेशन दें या फिर आप स्टार्ट करें, तो आप यहां से कह सकते हैं। आप डायरेक्ट यहां से चैट भी कर सकते हैं। एज अ होस्ट अगर आप चाहते हैं उन्हें पिन करना तो आप पिन भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे को उनको होस्ट बनाना चाहते हैं तो आप होस्ट भी कर सकते हैं, आप उस पर्सन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि उन्हें वापस वेटिंग रूम में डालना, तो आप यहाँ से वेटिंग रूम में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको किसी के साथ। या फिर रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। और जैसे ही आप रिमूव करोगे वो पर्सन फिर इस मीटिंग में, जब तक ये मीटिंग चल रही होगी तब तक वो नहीं आ पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसी को आप रिमूव कर दिए, आपने कर दिया और फिर वो पता चल रहा है कि वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है। अगर आप परमानेंट मीटिंग आईडी से अपना बंदे को रिमूव करते हैं तो और भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए रहती है। अब चलते हैं एज अ होस्ट, मतलब आप होस्ट हो तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। आप बेसिकली यहाँ से अनम्यूट अपनी ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं, स्टार्ट वीडियो कर सकते हैं, ब्लर माई बैकग्राउंड, अगर मेरा बैकग्राउंड को मैं ब्लर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बेसिकली कर सकता हूँ। वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको दिखते हैं। ब्लर करना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। अगर आप कोई पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप प्रीव्यू देख रहे होंगे बेसिकली, लेकिन ये मुझे अनप्रोफेशनल लगता है क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ पे वीडियो फिल्टर्स भी आपको मिलते हैं बहुत सारे, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे अवतार का एक ऑप्शन आता है, ये तो बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल है, लेकिन अगर आप दोस्त कलीग के साथ बात करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों अब ये कैट हुडी करके आपके सामने शो हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता देखने में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एज अ आपको एग्जांपल मैंने आपको सारा दिखा दिया है, तो चलिए अब मैं वापस वीडियो में जाता हूँ।
आप पिन अपने आप को कर सकते हो, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को आप हाइड कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ व्यू को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर को भी अपना चेंज एडिट कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। अभी तो प्रोफाइल पिक्चर पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए चेंज पिक्चर पे, आप यहाँ से और फाइल में आपने जहाँ पे भी अपनी फोटोज डाल रखी है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ पार्टिसिपेंट आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आस्क टू अनम्यूट, आस्क ऑल टू अनम्यूट। अगर आप एक मीटिंग में हैं, सब लोग आपस में बोल रहे हैं, झगड़ा करने लगे वहाँ से मान लीजिए, तो आप सबको एक साथ कह सकते हो कि भैया सब लोग शांत हो जाओ। आप यहाँ से सबको चुप करने के लिए या फिर मतलब सबको अनम्यूट करने के लिए आप कह सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट की एंट्री को म्यूट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट की एंट्री को म्यूट करने से मतलब म्यूट पार्टिसिपेंट को रोकना नहीं होता, जब पार्टिसिपेंट मीटिंग के अंदर जाता है तो वो म्यूट ही रहे, का मतलब ये है। अलाउ, अगर पार्टिसिपेंट को आप अनम्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो पार्टिसिपेंट को कि वो अनम्यूट हो सकता है खुद ही। ये बेसिकली मैनेज करने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप मीटिंग कर रहे हो, लोग बीच में बोलने लगे हैं, तो सबको आप एक साथ सबको अनम्यूट कर दीजिए। अगर आप सबको अनम्यूट करते हैं तो आप अपनी बात लोगों के सामने अच्छे से रख पाएंगे, अपने आप को सही से प्रेजेंट कर पाएंगे, और यही तो एक अच्छी मीटिंग का मेरे हिसाब से पर्पस है। वेटिंग रूम को भी आप देख सकते हैं, हाइड प्रोफाइल पिक्चर कर सकते हैं और मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा फीचर है। मान लीजिए आपने एक मीटिंग स्टार्ट करी और उसमें एंट्री टाइम लगभग 5 मिनट था, 5 मिनट बाद आपको लगा कि अब मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो जाएगा, और बीच में जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं मीटिंग में कि अब इसके बाद कोई बंदा आपके मीटिंग में नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों मैं आपको पूरी मीटिंग के बारे में बता चुका हूँ, आप कैसे लोगों को मैनेज कर सकते हैं, लोग कैसे म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, तो ये सारी सेटिंग आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग देखते हैं। तो दोस्तों सेटिंग में बताने के लिए मैं पहले इसको मीटिंग को एंड करता हूँ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सेटिंग के बारे में। सेटिंग में बताने के पहले ये दो चार और पॉइंट्स रह गए जिन्हें बताना जरूरी है। जैसे कि ये चैट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बेसिकली चैटिंग कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, तो आप यहाँ से वो सब कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज के टाइम में सब लोग चैटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है, तो इस लोग सब जानते हैं, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि PMI क्या होती है, पर्सनल मीटिंग ID, और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और मीटिंग इनविटेशन शो करने का, तो ये देखिए मीटिंग इनविटेशन क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो बेसिकली कॉपी इनविटेशन आप करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली वो यही मतलब आप लोगों के पास भेजते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। आगे आता है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप बेसिकली मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप और अच्छे समझ पाएंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट से इजीली बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम बेसिकली आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप कैसे मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं, मीटिंग में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब ये अगला आता है एप्लीकेशन और वाइट बोर्ड, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ऐप बेसिकली थर्ड पार्टीज ऐप्स होते हैं लोगों दोस्तों, एड जैसे कि आप मीटिंग में पोल करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए एक तरीके से इलेक्शन करना, इलेक्शन मतलब आप समझ सकते हैं आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो पोल हो गया, तो इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आप यूज कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। अगला व्हाइट बोर्ड है, इसके बारे में इन डिटेल आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिकली सेटिंग पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिक लिखा हुआ है। इस बेसिक का क्या मतलब है? इस बेसिक का दोस्तों मतलब यही है कि जो आप फ्री वर्जन में जो भी आप जूम पे मीटिंग करते हैं वो 40 मिनट से ज्यादा की आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे लंबी मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। प्रो वर्जन पे टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है,
तो आप वहां से बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसलिए बताऊं, अगर आप एज अ बिगिनर हैं, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 40 मिनट बहुत होते हैं। अगर आप शुरुआत के 5 से 6 मिनट आप लोगों को होस्ट मतलब मीटिंग के अंदर अलाउ करते हैं, और फिर उसके बाद आधे घंटे की मीटिंग, तो एक अच्छी खासी लंबी मीटिंग हो जाती है, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग देखिए दोस्तों, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे जो ऊपर है ये जनरल सेटिंग है। ये क्या क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्टार्ट जूम व्हेन बाय स्टार्ट विंडो। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप खोलें तो आपका जूम अपने आप ओपन हो जाए। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है जरूरी है। कई लोगों को इन डिफॉल्ट ये चेक करके आता है, तो जब भी वो अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप खोलते हैं तो ऑटोमेटिक जूम खुल जाता है। तो यहाँ से आके जनरल सेटिंग में जाके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यूज ड्यूअल मॉनिटर्स। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ड्यूअल मॉनिटर्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, आपका नीचे आ रहा है आस्क मी टू कंफर्म व्हेन आई लीव मीटिंग। ये चेक है, मतलब जब भी मैं एंड मीटिंग करता हूँ तो दोबारा पूछता है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप ये चीज हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। रिमाइंडर में ये क्या है, जैसे कि कोई भी अगर आपकी मीटिंग जैसे कि आने वाली है, अपकमिंग मीटिंग जैसे आपने शेड्यूल कर रखी है, मान लीजिए आपने 10 दिन बाद या जितने भी दिन के आप अपने हिसाब से जिस टाइम में भी शेड्यूल कर रखी है, तो रिमाइंड करता है आपका जूम, आपको रिमाइंड करता है कि आपकी इतने मिनट बाद मीटिंग है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5, 10, 15 मिनट जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये देखिए अगला क्या है, स्टॉप माई वीडियो एंड ऑडियो व्हेन माई डिवाइस इज लॉक्ड। मतलब अगर आपका डिवाइस लॉक्ड है तो स्टॉप कर दीजिए आपका वीडियो। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली जनरल सेटिंग है, आप इनको इजीली देख सकते हैं। स्किन टोन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए येलो है, यहाँ पे आप ग्रेइश या ब्लैकिश ब्लैकिश में भी कर सकते हैं। अब आप थीम यहाँ से बदल सकते हैं दोस्तों। थीम में आप लाइट थीम रखना चाहते हैं, डार्क थीम रखना चाहते हैं। अगर आप डार्क थीम रखते हैं तो पूरा ही ब्लैक हो जाता है। चलिए ये हो गई जनरल सेटिंग। अब मैं इसके आगे के आपको बताता हूँ कि वीडियो सेटिंग ये क्या है। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो सेटिंग की बात करूँ तो मेरा मानना है कि आप इसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें छेड़खानी करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ से आप अपनी वीडियोस को रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद आप नीचे जा सकते हैं, मिरर माय फेस, आप यहाँ से टचअप माय अपीयरेंस, एडजस्ट माय लो लाइट, तो ये आप सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अब ऑडियो की। ऑडियो में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जो डिफॉल्ट है आप उस डिफॉल्ट को ही रहने दीजिए दें, क्योंकि अगर आप इसमें छेड़खानी करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगली जो सेटिंग है उसके बारे में बात कर देते हैं। ये शेयर स्क्रीन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो में मैं एक बात बताना आपको भूल गया, जब आप वीडियो सेटिंग में आएंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि मिरर माई वीडियो या टचअप माई एक्सपीरियंस। दोस्तों इसे आप बेसिकली टचअप माई अपीयरेंस इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो ये ऐसा इससे होता क्या है कि जो आपका बेसिकली ग्लो है वो आ जाता है। तो अगर आप कहीं डार्क एरिया में हैं तो आप इसे लो लाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो मोड में, मैनुअल मोड में, जैसे चाहे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। लो लाइट में तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे मुझे ज्यादा अप्लाई ये सब करना अच्छा नहीं लगता, अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। बेसिकली अपीयरेंस आपका बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जैसे कि दोस्तों मैं नन बैकग्राउंड पे लगाता हूँ, तो नन पे अभी मेरे बैकग्राउंड पे कोई भी चीज नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं यही अपने पीछे बैकग्राउंड लाना चाहता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और अभी भी बता रहा हूँ दोबारा से, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कर सकते हैं, अवतार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, तो आगे बताने का कोई मतलब ही नहीं है। चैट एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ से चैट की सेटिंग को बेसिकली
एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मिस कॉल आपको। तो ये क्या है दोस्तों, सो टू एट टॉप आई माई स्लाइड बार, अगर कोई भी आप चैट विंडो खोलते हैं तो आपके स्लाइड बार में टॉप में क्या दिखाई दे, मिस कॉल अगर आई होंगी आपको तो वो हमेशा दिखाई दें, कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट आपको आए, कनेक्ट रिक्वेस्ट आपकी आए तो वो भी आपको दिखे, प्रोफाइल फोटोज, नेक्स्ट टू डायरेक्ट मैसेज, ये सब चीजें आपको दिखाई दे, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद आप जो लेफ्ट स्लाइड बार है उसको डार्क या लाइट भी कर सकते हैं। लेफ्ट स्लाइड बार मैंने आपको दिखाया था जहां से आप अपने पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करते थे, वैसा ही कुछ ही स्लाइड बार है, तो आप यहां से देख सकते हैं उनके बारे में। आगे आता है जूम ऐप, मैंने पहले ही बता रखा है, जूम थर्ड पार्टीज ऐप है जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी नई नई चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं रिकॉर्डिंग सेक्शन पे, तो रिकॉर्डिंग टॉप, ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक मीटिंग ले रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उस मीटिंग को रिकॉर्ड करना, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उस मीटिंग को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, पहले तो रिकॉर्ड भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर या फिर एक क्लाउड पे। क्लाउड का मतलब ऑनलाइन भी आप एक काम कर सकते हैं, आपके मेमोरी में वो जगह नहीं घेरेगी तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जैसे कि डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स नेम इन द रिकॉर्डिंग, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग जब आपकी चल रही होगी तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स के नेम है वो दिखाई दें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। और रिकॉर्ड वीडियो ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग, अगर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है तब भी आपको वीडियो दिखाई दे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। प्रोफाइल के बारे में भी आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल में पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, यहां से चेंज पिक्चर पर क्लिक करके आप कोई सा भी एक इमेज जिस भी आपकी फाइल में होगा आप यहां से बेसिकली उसे चेंज कर सकते हैं। आगे आता है एडिट माय प्रोफाइल, अपग्रेड टू प्रो, व्यू एडवांस, तो मैं आपको बताता हूं एडिट माय प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों जो आपका क्रोम होगा या ब्राउजर होगा, ब्राउजर में आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। दोस्तों यहां से आप अपनी प्रोफाइल को सही से मैनेज कर सकते हैं, यहां से एडिट कर सकते हैं। देखिए नाम के आगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहां से नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहां से फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, यहां से लैंग्वेज को भी एडिट कर सकते हैं, आप कौन से टाइम जोन में हैं ये भी आप इजीली डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी एडिट करना चाहते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मीटिंग की भी सेटिंग्स होती हैं, पर्सनल मीटिंग आईडी, आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हैं इजीली। आगे है होस्ट की, तो आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ये थी कुछ सेटिंग के बारे में, अब मैं आपको आगे बताता हूं आप कौन सी और चीजें भी यहां से कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बेसिकली आपका ये दिखाता है कि आपने जूम कितना इस्तेमाल करा है, कितना इसमें ऑडियो वीडियो, कितना सीपीयू, कितना मेमोरी आपका यूज में है, तो ये सब चीजें आपका दिखा देता है यहाँ पे। आप इजिली इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं अपने अकाउंट की हेल्थ के बारे में। कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा जो बहुत ही जरूरी होते हैं। जैसे आप देखिए ये F6 क्या है, नेविगेशन अमंग जूम पॉपअप विंडोज, ये सब चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे एक क्लिक कर देते हैं तो जब भी आप उन्हें मीटिंग के टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चीजें खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि स्विच टू स्पीकर व्यू, स्पीकर व्यू में आप जाते हैं तो अलग से स्पीकर व्यू में व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर स्पीकर व्यू में क्लिक करते हैं, तो ये सब करने की अभी कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ से सीधे चेक करिए, अल्ट प्लस F1 दबाएंगे, सीधे ऑटोमेटिक आपका जो जूम में जो सारे व्यूवर्स हैं, जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्पीकर मोड में आपको दिख जाएंगे। तो ये थी दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। अब मैं आगे आपको कुछ और चीजें बताता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको बात करता हूँ आपसे कि आप मीटिंग में, जैसे कि आप मीटिंग में हैं और आप मीटिंग में कैसे लोगों के रिएक्शंस ले सकते हैं, मतलब आप उनसे रेज योर हैंड कह सकते हैं कि जिस जिसको समझ में आया वो अपना हाथ उठाए, या फिर कोई भी इमोजी बनाकर रिएक्शन करे, तो इन रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ। तो इसके लिए मैं दोबारा से
एक मीटिंग में ज्वाइन हो जाता हूं। तो यहां से मैं नई मीटिंग एक ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बता दिया है। तो आप नीचे देख रहे होंगे रिएक्शंस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड, अगर आप रेज हैंड पे क्लिक करेंगे और जितने भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनके सामने एक ऑप्शन जाएगा रेज हैंड का, या फिर जैसे भी, तो एक ऑप्शन सबके पास चला जाएगा। देखिए लोअर हैंड, रेज हैंड, मतलब ये सिर्फ पार्टिसिपेंट के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप इनका यूज करके मीटिंग में मतलब कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ भी चीजें होंगी ये भी आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे अपने अकाउंट को प्रो वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रो वर्जन में दोस्तों करने का तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। लोग पता नहीं क्यों इसमें इतना परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूं। और एक और चीज रहेगी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, चैटिंग ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में। देखिए दोस्तों आप जब चैट ऑप्शन पे जाते हो तो आप कुछ चैट करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 100 लोगों के बीच में, या फिर मतलब मान लीजिए आप 50 लोगों के बीच में, 40 लोगों के बीच में आप मीटिंग कर रहे हैं और आप कुछ किसी को चैट भेजना चाहते हैं। तो देखिए ऑप्शन करके आप नीचे आता है टू एवरीवन। अगर आप टू एवरीवन करके मैसेज लिखेंगे तो मैसेज सभी के पास जाएगा। अगर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ अकेला हूँ, अगर यहाँ पार्टिसिपेंट अगर मैं ज्वाइन करता हूँ एज अ पार्टिसिपेंट, कोई दो चार आदमी अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो आप पर्सनली भी यहाँ से चैटिंग के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे एक मोर का ऑप्शन है, ये इमोजी में के बगल में आपको मोर का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या पार्टिसिपेंट चैट कर सकते हैं दूसरे के साथ? तो नो वन, आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मतलब दोस्तों देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप मीटिंग होस्ट कर रहे हो तो सबका ध्यान आपके साथ होना चाहिए। वो पता चले कि वो आपस में चैटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप मीटिंग होस्ट करें तो उसमें नो वन क्लिक करें। मतलब नो वन का मतलब कि कोई आपस में बात ना करे, आप सबसे बात कर सकते हैं क्योंकि आप एज अ होस्ट कर रहे हैं, होस्ट हैं मीटिंग के, तो आप सबको सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन कोई जो मीटिंग के लोग हैं वो आपस में बात ना करें, उन्हें बात करना है तो अलग से बात कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है। लेकिन एज अ मीटिंग के अंदर वो बात ना करें क्योंकि फिर मीटिंग में फिर बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। पता चल रहा है कि आप कोई इजिली, आप कोई एजुकेटर हैं, कोई चीज लोगों को बता रहे हैं तो पता चल रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको कैसे प्रो वर्जन में अपने आईडी को कन्वर्ट करना चाहिए। पहले मैं लीव मीटिंग करता हूँ। लीव मीटिंग करने के बाद आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे बेसिक है, जैसे आप देख सकते हैं सेटिंग पे जा रहा हूँ मैं। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों आपको यहाँ जाने के। प्रोफाइल में जाता हूँ। अब प्रोफाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं अपग्रेड टू प्रो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और सीधे वेबसाइट पर जाके भी कर सकता हूँ। अपग्रेड टू प्रो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सामने देख सकते हैं आप, मेरे जो ब्राउजर है उसमें एक विंडो खुल गई है। तो देखिए यहाँ पे करंट प्लान, मतलब ये मेरी साइट पर खुला हुआ है, ये एक लिंक के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो मेरा क्या है करंट, अभी बेसिक अकाउंट में क्या होता है इसकी पहले मैं आपको बता देता हूँ लिमिटेशन क्या क्या है बेसिक अकाउंट की। देखिए सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि आप 40 मिनट से ज्यादा मीटिंग नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है दोस्तों। फिर उसके बाद 100 ही पार्टिसिपेंट आप होस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, मतलब माफ करिएगा 100 ही लोगों को मतलब आप होस्ट कर सकते हैं, 100 ही लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। माफ करिएगा, ठीक है। तो अगर आप मतलब प्रो अकाउंट में जाना चाहते हैं तो प्रो अकाउंट में क्या होता है कि प्रो अकाउंट में आप जितने चाहे उतने लोगों को कर सकते हैं, बेसिकली सबके लिए तो रूम अलाउट होता है। प्रो अकाउंट में भी कई सारे फीचर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपग्रेड अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, अपग्रेड अकाउंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों ये पूछेगा सबसे पहले कि हाउ मैनी लाइसेंसेस डू यू नीड, मतलब कितने आपको लाइसेंस चाहिए।
अगर आपको एक लाइसेंस चाहिए तो एक पे क्लिक करें, दो चाहिए तो दो पे क्लिक करें। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर आप एक लाइसेंस यूज करते हैं तो आप एक ही जगह इस्तेमाल कर सकें, एट अ टाइम एक ही जगह एक ही सिस्टम पे आप यूज कर पाएंगे। अगर आप दो लेना चाहते हैं आप दो ले सकते, आपके ऊपर है। प्रो वर्जन में भी आपको दो अकाउंट मिलता है, जैसे कि आप देखिए एक तो होता है बिजनेस, एक होता है प्रो। प्रो अकाउंट में आप 100 लोगों को जोड़ सकते हैं, बेसिक अकाउंट में बेसिकली यही लिमिटेशन होती है, लेकिन वहाँ पे टाइम का दिक्कत रहती है, वहाँ ज्यादा लोगों को आप जोड़ नहीं सकते, माफ करिएगा, ज्यादा आप लोग टाइम तक लोगों को साथ में नहीं रख सकते। इसके बाद आता है कि आपका प्लान कौन सा होगा, मंथली होगा या एनुअली होगा। तो देखिए दोस्तों सबके रेट आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि मंथली का जो अभी का रेट चल रहा है वो 1300 रुपये पर मंथ का है, अगर आप एक साल का लेते हैं तो पर मंथ का इतना आएगा, बाकी सबके अलग अलग प्लान है। मैं आपको दिखाता हूँ एनुअल में मंथली में सबके अलग अलग प्लान है। अगर आप एनुअली का लेते हैं तो आपको ये 1100 रुपये का पड़ेगा, मतलब अगर आप एक साल का लेते हैं तो आपको 1100 रुपये का पर मंथ का खर्चा पड़ेगा, अगर आप मंथली लेते हैं तो 1300 रुपये पर मंथ का खर्चा आपको पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों कि आप जूम को कैसे इस्तेमाल करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो सब आपको दोस्तों ये क्लिक करना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस हैं बिजनेस के लिए अपने जूम को यूज करते हैं तो आपको बेसिकली ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम फॉर हेल्थ केयर, तो इसमें थोड़ा कम पैसा या फ्री के भी कुछ ऑप्शन होते हैं तो आप देख सकते हैं इजीली। उसके बाद आगे आता है कि एडिशनल प्लस ऑप्शन, क्लाउड रिकॉर्डिंग स्टोरेज, अगर आपको ये चाहिए तो। देखिए दोस्तों इन सबों के ना एड ऑन होते हैं चीजें, एड ऑन होती है, मतलब कि अगर आप इसमें लार्ज मीटिंग करना चाहते हैं तो लार्ज मीटिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों 500 पार्टिसिपेंट आप ऐड कर सकते हैं, 500 पार्टिसिपेंट आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका 4400 मंथली ऑटो, मतलब ये और खर्चा आपका बढ़ जाएगा, ये एड ऑन है। वैसे तो आप 100 लोगों को प्रो अकाउंट में डाल सकते हैं एक साथ, लेकिन उससे ऊपर आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि 100 लोगों से ज्यादा लोगों को मैं एक साथ मीटिंग लूं, तो उसके लिए आपको जूम को पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 1000 के आप देख सकते हैं, हर के प्राइस हैं तो आप देख सकते हैं इजीली, ये सिंपल है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आगे करते हैं कंटिन्यू के ऊपर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ सजेशन देगा ये कि Zoom One क्या है, Zoom One भी आप ऐड करना चाहते हैं, Zoom रूम करना चाहते हैं, बेसिकली ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ एक बहुत बढ़िया फीचर है जूम वेबिनार्स का, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों। जूम वेबिनार में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि चीजें होती क्या क्या है। टीम, अगर आप एक जूम 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 पे अगर आप एक टीम को होस्ट करते हैं तो आप एक मीटिंग लेते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। लेकिन वेबिनार में क्या होता है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप तो मीटिंग कर रहे हो सभी लोगों के साथ, लेकिन उन पर्टिकुलर लोगों को नहीं पता है कि मेरे साथ और कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये उनके लिए अच्छा है जो सेल्स फनल यूज करते हैं बेसिकली, या मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो कैसे होता है कि ये लोग मीटिंग करते हैं, लगभग लगभग 500-600 लोगों की मीटिंग एक साथ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को पर्सनल टच दे सकते हैं। जब आप किसी को पर्सनल टच देते हैं तो उसके हाई कन्वर्जन ऑफ चार्जेस चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली वेबिनार में दूसरों को कुछ नहीं पता चलता कि मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, बस आप उन्हें ये पता चलता है कि आपका वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ईमेल ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बाद में आप मतलब उसमें पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप साइड पर आप मतलब वेबिनार ऑप्शन को दिखा भी सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। तो वेबिनार अगर आप एक लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास की कॉस्ट पड़ती है, अगर आप ऐड करते हैं तो बढ़ जाती है, लेकिन हाँ ये बहुत ही मतलब बेहतरीन प्लान है। अगर आप एक हाई लेवल पे काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो एक बहुत ही अच्छा प्लान है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। जब ये सब आप एक बार सेलेक्ट कर लेना तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा, और आफ्टर पेमेंट ऑप्शन जैसे ही आप कर लोगे, जैसे ही आप पेमेंट पेमेंट वेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपका देखिए बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो गई। इसके बाद अब थर्ड, पहला क्या होगा, कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, जो जो चीज़ें चाहती थी मैंने देख लिया, फिर उसका बिलिंग इन्फॉर्मेशन। अब थर्ड स्टेट है पेमेंट, जैसे ही पेमेंट कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एम्प्लॉय अकाउंट एड्रेस ये सब मुझे डालना पड़ेगा, उसके बाद जैसे मैं पेमेंट करता हूँ उसके बाद मेरा जूम का प्रो अकाउंट ओपन हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि आप प्रो अकाउंट कैसे
ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कैसे करें। तो शेड्यूल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, सीधे शेड्यूल बटन पे यहाँ पे आप होम पे जाके शेड्यूल बटन पे प्रेस करें। यहाँ पे जब शेड्यूल बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम आ जाएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से आप टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं कौन सी डेट को आप करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 2022 और मैं यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट मान लीजिए मैं कल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं ड्यूरेशन डाल सकता हूँ, यहाँ पे मिनट डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इजीली ये सब कर सकता हूँ। रिकरिंग मीटिंग क्या होता है दोस्तों कि अगर आप बार बार करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं तो ये हर बार आप शेड्यूल करेंगे और बार बार आपको बेसिकली जूम आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी मीटिंग है मीटिंग है, तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मान लीजिए कोई मेजर मीटिंग है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका हमेशा ही मीटिंग रहती है। दोस्तों अगर आप हमेशा मीटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप रिकरिंग मीटिंग है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब आप रिकरिंग मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कौन सी मीटिंग आईडी से करना चाहते हैं ये भी आपके सामने ऑप्शन आएगा, जनरेट ऑटोमेटिकली। तो जब जनरेट ऑटोमेटिकली आप करेंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हर बार नई मीटिंग आईडी जनरेट होगी। तो अगर आप बार बार मीटिंग करना चाहते हैं, एक ही टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो आप मेरा सुझाव रहेगा कि आप पर्सनल मीटिंग आईडी से जाएं। जब आप पर्सनल मीटिंग आईडी से जाएंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड, देखिए दोस्तों यहाँ पे उल्टा सीधा पासवर्ड है, तो यहाँ से आप पासवर्ड सिंपल लग जा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। अब कोई भी आएगा उसके लिए सिंपल पासवर्ड भी रहेगा, वो इजीली पासवर्ड मीटिंग आईडी डालेगा, मेरी पासवर्ड 1 2 3 4 5 डालेगा और हो जाएगा। आप इसकी जगह कुछ और भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपने हिसाब से। आप वेटिंग रूम को इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है मैं कहूँगा। जैसा होता है कि मान लीजिए आप एक मीटिंग होस्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में आप बार बार सभी एक एक बंदे को अगर आप मीटिंग के अंदर बार बार अलाउ करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, प्लस की बहुत ही इरिटेटिंग होता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि उस समय वेटिंग रूम आप बंद यहाँ से अनचेक रहने दें। तो जैसे ही जब आप अनचेक रहने देंगे तो फिर उसके बाद जो भी आपके मीटिंग में ज्वाइन करेगा आपको अलग से उसको अलाउ करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑटोमेटिक ही आपके मीटिंग में आ जाएंगे। अच्छा, वीडियो वीडियो आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है, मेरा सुझाव ये रहेगा कि हमेशा वीडियो ऑन रखें। ऑन रखने का मतलब जब भी आप वीडियो ऑन रखें पार्टिसिपेंट का भी ऑन रखें, इससे क्या होता है कि लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है। उसके बाद कैलेंडर होता है, तो अगर आप बेसिकली डेट कोई स्पेसिफिक डेट डाल रहे हैं तो आप कैलेंडर पे, गूगल कैलेंडर पे, आउटलुक कैलेंडर पे आप डाल सकते हैं। वरना एक एडवांस ऑप्शन ये है कि अलाउ पार्टिसिपेंट टू जॉइन एनी टाइम, मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और है कि आप लोगों को कभी भी मतलब अलाउ कर सकते हैं कि ज्वाइन कर लें किसी भी टाइम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, पार्टिसिपेंट को म्यूट रखना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मीटिंग ऑन योर लोकल कंप्यूटर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो मीटिंग होगी वो रिकॉर्ड होकर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ पे भी होगा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और यहाँ तो आप जानते ही हैं अप्रूव और ब्लॉक एंट्री फ्रॉम यूजर फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्री या रीजन से लोगों को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जब आप सेव करेंगे तो जैसे ही जब आप सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। देखिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से, यहाँ पे देखिए बेसिकली कैलेंडर कह रहा है, कैलेंडर कैलेंडर। जब भी आप यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इजिली मीटिंग कर सकते हैं। Got it, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से आप अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मीटिंग आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया, आपका एक लिंक भी आ गया, तो इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। आप इसे सेव कर देंगे और उसके बाद आप अपना डेट देख लीजिए, आपको जिसका भी करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। मैं आपको ये बता रहा था कि आप अपनी मीटिंग को शेड्यूल किस तरह करें, मैंने बेसिक वर्जन बता दिया और एडवांस वर्जन भी बता दिया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
अब जो अगला टॉपिक है दोस्तों, मैं उसकी बात करता हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड क्या है। जैसे कि आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड क्या है? तो दोस्तों जो व्हाइट बोर्ड है पहले नहीं था। पहले आपको व्हाइट बोर्ड अगर यूज करना पड़ता था तो आपको थर्ड ऐप, जैसे कि एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने पड़ते थे व्हाइट बोर्ड की जगह। तो पोल्स के लिए जैसे कि एक आता था पॉली करके सॉफ्ट, पॉली करके एक एप्लीकेशन आता था। एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड के लिए माइक्रो करके एक एप्लीकेशन आता है, अभी भी आते हैं, लेकिन अब खुद ही जूम ने आपको व्हाइट बोर्ड के फीचर्स दे दिए हैं। व्हाइट बोर्ड का एक ऑप्शन दे दिया है, पहले व्हाइट बोर्ड नहीं आता था, तो इसके लिए लोग माइक्रो नाम के एक एप्लीकेशन का यूज करते थे, थर्ड पार्टी ऐप है बेसिकली। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो माई ऐप में या डिस्कवर में जब ऐसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है आपके पास। आप बहुत सारे, आप देखिए टाइमर के लिए टाइमर यूज कर सकते हैं, ये काहूट है, ये किसके लिए होता है? पोल्स के लिए यूज करते हैं लोग, काहूट को लोग पोल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप डाल सकते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड, अब देखिए दोस्तों वर्चुअल बैकग्राउंड वैसे तो जूम भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एप्लीकेशन है ये और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए दोस्तों ये माइक्रो करके एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब एप्लीकेशन है, इसका यूज करेंगे आप तो आप व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। लेकिन आपको खुद ही जब जूम ने व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन दे दिया है तो मुझे नहीं लगता इसको आपकी जरूरत होगी। तो व्हाइट बोर्ड का यूज कौन कौन कर सकता है? व्हाइट बोर्ड का यूज आप टीचर हैं तो आप कर सकते हैं, आप एक कोई भी एजुकेटर हैं, लोगों को लिख के समझाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो एक पेन टैब भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस से भी कर सकते हैं। हालांकि माउस से उतना बढ़िया तो नहीं आ पाती है राइटिंग वगैरह, लेकिन आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे व्हाइट बोर्ड खोलेंगे माइट व्हाइट बोर्ड, तो देखिए दोस्तों अभी मैंने कोई सेव नहीं करा हुआ है, लेकिन देखिए दोस्तों ये फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में हमें तीन ही व्हाइट बोर्ड मिलते हैं एट अ टाइम। मैं एट अ टाइम तीन ही व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकता हूँ। देखिए मैं न्यू व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ या यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करूंगा मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड लोड हो रहा है, अभी लोड हो जाने दीजिए, मैं आपको एक पूरा दिखाता हूँ। मैं इसको फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बेसिकली बता रहा है कि आप कहाँ से क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डन। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहे हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके का मतलब चुनना चाहते हैं। बुली आईज मतलब एक तरीके से लेआउट आपको दे रहा है, अगर आप लेआउट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक तरीके से दिखाता हूँ। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं इजीली वो लिख के दिखा सकता हूँ दो लोगों को। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की शेप्स लोगों को अलग अलग तरीके से लिख के दिखा सकते हैं, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारे नए नए तरीके से आप डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। अब देखिए आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स को भी फिल कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, आप कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख के आपको दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। मैं देखिए देखिए यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आप इनके साइज भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली एक तरीके से जो आप एक व्हाइट बोर्ड में काम कर सकते हैं वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए और यहाँ पे एक रबर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ मतलब मिटा भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं चीजों को इजीली। यहाँ पे अंडू और डू का है, जैसे देखिए अंडू का ऑप्शन है, एक डू का ऑप्शन है, देख रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अब क्लोज करता हूँ व्हाइट बोर्ड को।
अच्छा हाँ, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है, आप शेयर भी कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है। देखिए जो व्हाइट बोर्ड मैंने काम करा है वो देखिए एक सेव हो गया है। अब मैं एक और नया व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ और यहाँ टेम्पलेट के थ्रू खोलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ऑप्शन में बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको दिखाई देते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई बढ़िया बनाना है, लाइक कोई एक बढ़िया डिजाइन बना ली है, तो आप सीधे यहाँ से टेम्पलेट्स का यूज करके आप सीधे डायरेक्ट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक टेम्पलेट, मैं एक डमी अकाउंट के लिए एज अ डमी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों व्हाइट बोर्ड का तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन यूज है, क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं तो पहले क्या होता था, लोगों को अलग अलग चीजें लेनी पड़ती थी बस, लेकिन यहाँ पे जूम में वो चीजें बहुत ही सिंपल हो चुकी हैं दोस्तों। यहाँ से आप किसी को, अगर आप किसी भी चीज में यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो आप इजिली ऑडिट कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करना चाहते हैं देखिए आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आप डालना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो कंटेंट का पार्ट है, आपको ही करना है, आपको डिजाइन करनी है, लेकिन मैं आपको बस एज अ दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से चीजों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, आप इमेज भी डाल सकते हैं इसमें, आपके फाइल में कहीं पे भी इमेज होगी आप इमेज का यूज करके यहाँ से इमेज को भी यहाँ से डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड के बारे में ये चीजें अच्छी लगी होंगी, लेकिन हाँ बेसिक वर्जन में लिमिटेशन है दोस्तों, आप तीन ही व्हाइट बोर्ड बेसिकली यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आज के आखिरी टॉपिक की, हाउ टू रिकॉर्ड योर मीटिंग्स इन जूम। आप जूम में अपनी मीटिंग्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए जब भी आप मीटिंग, जैसे कि मैं आपको पर डेमो पर्पस एक मीटिंग होस्ट करके दिखाता हूँ जिसमें मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी इसमें पार्टिसिपेंट्स को नहीं डालना, लेकिन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है, चाहे वो कोई सा भी हो। अब देखिए दोस्तों रिकॉर्ड करने का ऑप्शन अलग अलग वर्जन में अलग अलग आता है, पहले कभी रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे भी आता था, लेकिन अब रिकॉर्ड का वर्जन यहाँ मोर पे आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही आपने, Recording in progress. तो देखिए यहाँ से अब ये रिकॉर्डिंग होने लगी है। अब यहाँ पे जब आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पूछेगा कि आपको अनम्यूट करना है, जो मतलब होस्ट है उसके अनम्यूट रखना है, या कंटिन्यू विदाउट ऑडियो, ये ऐसा भी ऑप्शन आता है। तो आपको जैसे ही अच्छे लगे आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपनी क्यूरीज भी आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम जवाब देंगे और वीडियोस वगैरह आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं हमारी कंपनी से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी या ग्रुप क्रिएट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल्स के संग ज्वाइन हो सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो और उनकी नॉलेज और अपडेट्स ले सकते हो। तो दोस्तों देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक क्लिक करें और ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।